वेलकम टू माय चैनल। और अभी गर्मी चल रही है तो सबको ठंडा तो बहुत ज्यादा ही पसंद होगा। तो चलिए आज हम बनाएंगे वाटरमेलन से कुछ ठंडा सा बहुत अच्छा बनने वाला रेसिपी। अभी हम बना रहे हैं वाटरमेलन स्क्वैश। तो देखिए मैंने वाटरमेलन को छील के रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसे डालूंगी ब्लेंडर में। वाटरमेलन के इसमें बीज चले गए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कड़वे नहीं होते हैं और छानने पे छन भी जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 लेमन। यहाँ पे हमने एक नींबू ऐड कर रहे हैं, और अगर आपके पास मीठ है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मीठ नहीं पसंद है, इसलिए मैंने मीठ इसमें नहीं यूज़ की है। और गर्मी में मीठ अंदर से हमें ठंडक भी देती है। अब हम इसमें 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं 1 चम्मच ही शक्कर भी ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं शक्कर। और अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली है, अब हम इसे ब्लाइंड कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इस पॉट में इसे पॉर करूँगी। अगर आपके पास कैंडी पॉट है या आइसक्रीम पॉट है, आप उसमें भी इसे पॉर कर सकते हैं, जिससे ये आपकी पॉप्सिकल हो जाएगी। वाटरमेलन स्क्वैश से वाटरमेलन पॉप्सिकल हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, और ये झाग के कारण इसका कलर दिख रहा है, ये देखिए। अब मैं इसे 7-8 घंटे के लिए या ओवरनाइट हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए हमने इसे 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, और ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसे निकालूंगी, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इस तरह से फॉक से निकाल लेंगे हम। अगर आप चाहें आपको ओपन करना है, टाइम लग रहा है, तो आप मिक्सिंग में से थोड़ा सा रोटी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली निकल रहा है। ये कटोरी में डाल देंगे, ये हमने घर पे बनाया तो बिल्कुल हाइजीनिक है। और इसमें नींबू हमने ऐड किया था तो उसकी वजह से बनाया है तो बहुत हेल्दी भी है और ये हाइजीनिक भी है। और आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमसे ऐसी चीज़ें और जाननी हो तो हमें और बताइए।